दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉड्यूलर किचन का डिज़ाइन आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बेहतरीन किचन का डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, पूरी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस किस तरीके से आप एक किचन को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह और सारे बॉक्सेस आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और ये एक आपको टंडम ड्रॉर जो है देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आप अपना जो आटे की टंकी वगैरह जो है वो रख सकते हैं बहुत ही आराम से। अभी यहाँ पर थोड़ा वेस्टेज सामान जो है रखा हुआ है, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर कोई भी बॉक्स यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे आ जाते हैं, ये हमारी आ जाती है दूसरा एक खाना यहाँ पर। इसमें हमने दिया है सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से सिलेंडर जो है रख सकते हैं। और ये आप देखिए दोस्तों, जो डड्डू कप जो इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्ट क्लोज, ये देखिए मैं आपको ये चला करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और दूसरा यहाँ पर तीन ये भी टंडम ड्रॉर हमारी जो है दी गई है, ये 4 इंच हमने यहाँ पर ऊपर दी है जिसमें आपका कटलरी का सामान आ जाता है। इधर आप देखिए, ये देखिए कोई भी अपना सामान जो है यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा नीचे एक और ड्रॉर यहाँ पर दी गई है, इसमें कुछ इस तरीके के बॉक्सेस वगैरह आप रख सकते हैं। और जो पूरा दोस्तों इसका पूरी फिनिश आप देखिए कितनी जबरदस्त किचन जो है तैयार की गई है। दोस्तों यहाँ पर इनोटेक पूरा जो है वो यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। और नीचे एक और ड्रॉर आपको मिल जाती है 6 इंच वाली, जिसमें कि आप अपने कुछ बड़े बर्तन जो जैसे कि आपके कुकर वगैरह या कुछ ऐसी चीजें हैं, फ्राई पैन वगैरह, तो वो आप यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं। इसके आगे आ जाते हैं, ये आपको दोस्तों बॉटल पुल आउट जो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप अपनी बॉटल वगैरह जो है रख सकते हैं, या इस तरीके की वो जो आपके बड़े कप वगैरह होते हैं तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए किस तरीके से पूरा जो है वो सिस्टम पूरा यूज किया गया है, स्टील बास्केट जो है यहाँ पर दी गई है। और उसके आगे एक और आपको बॉक्स जो है देखने के लिए मिल जाता है, बड़ा बॉक्स यहाँ पर हमने दिया है। तो इसमें दो खाने हम आपके लिए आ जाते हैं और इसमें कुछ इस तरीके से आप अपना जो सामान है वो रख सकते हैं। देखिए जैसा रखा हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल क्लोजिंग में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी सारे हिंजेस जो है उसी तरीके के लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, सभी जितने भी खाने हैं सभी ड्रॉर में हिंजेस जो है वो वैसे ही यूज किए गए हैं, सॉफ्ट क्लोज। और यहाँ पर आपका दोस्तों डस्टबिन एरिया आ जाता है, डस्टबिन कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो सेट किया गया है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं नीचे से भी पूरा एरिया आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक और ये आपको ये डस्टबिन वाला जो एरिया है दोस्तों, कुछ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा सामान अपना जो है वो यहाँ पर हाथ वगैरह धोने के लिए कुछ भी यहाँ पर जो है रख सकते हैं। उसके आगे एक खाना आपको और बड़ा खाना जो है देखने के लिए मिल जाता है, इसमें हमारे दो एक शेल्फ लगी हुई है जिसमें हमने इसको दो पार्टीशन में जो है डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं ऊपर कुछ इस तरीके से अपना सामान जो है रख सकते हैं। नीचे नीचे वाला भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके की चीजें आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा नीचे में हमारा एक और खाना यहाँ पर आ जाता है, जिसमें कि हमारी एक शेल्फ लगी हुई है, इसको भी दो पार्टीशन में जो है डिवाइड किया गया है। और कुछ अपना जैसा भी जरूरत का जो भी सामान है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ, मैं आपको पूरा ऊपर का जो एरिया है वो आपको दिखा देता हूँ, नीचे का मैंने बिल्कुल आपको दिखा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो किचन को किस तरीके से तैयार किया गया है, एक यू शेप में इसको जो लिया गया है। और अब आ जाते हैं हम ऊपर की तरफ, तो ऊपर हम राइट हैंड साइड में जब देखते हैं तो यहाँ पर हमने एक खाना दिया है जिसमें हमारा एक बीच में एक शेल्फ आ गई है, और ऊपर कुछ ये इस तरीके से सामान अपने जो है वो एक्स्ट्रा चीजें जो है वो रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक फ्री एरिया आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो भी आपके कप वगैरह होते हैं तो वो आप रख सकते हैं, फ्लावर वगैरह कुछ इस तरीके से अपनी किचन को अच्छा रखने के लिए, किचन को डेकोरेटिव रखने के लिए आप कुछ इस तरीके से इसको रख सकते हैं। उसके अलावा आपको एक और यहाँ पर जो बॉक्स है वो मिल जाता है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको एक प्लेट रख देने के लिए मिल जाती है, जिसको GTPT बोलते हैं। और इसमें आप ऊपर की तरफ अपनी बड़ी प्लेटें वगैरह जो है वो रख सकते हैं, यानी धो करके जो भी आप बर्तन रखते हैं तो वो प्लेटें, बड़ी प्लेटें तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। और छोटे कोई भी जैसे गिलास वगैरह हुए आपने मतलब तुरंत धो करके रखे तो वो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, और जो उनका पानी आएगा तो वो इसका इस तरीके से आपको कुछ इस ट्रे में, मैं आपको बिल्कुल क्लोजिंग दिखा रहा हूँ एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस ट्रे में जो है वो रख सकते हैं। तो ये आपको GTPT देखने के लिए जो है मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, इस साइड में हमने दिया है वाटर प्यूरिफायर, और उसके अलावा
दूसरी साइड हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो बॉक्सेस बनाए गए हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ उनका यूज क्या क्या है। तो कुछ इस तरीके से अपना जो बड़े ग्लासेस वगैरह हैं या स्पून वगैरह है कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो इसको भी दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, ये आपके कुछ मिर्च मसालों के बॉक्सेस जो होते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको एक फ्री एरिया मिल जाता है, उसमें यहाँ पर आप बीच में अपना जो स्टोव वगैरह है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो चूल्हा आपका है तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। और आगे आ जाता है आपका एक और बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इसमें आप कुछ इस तरीके से अपने जो कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, बर्तन हैं मिर्च मसालों के, तो वो यहाँ पर आप अगर एक्स्ट्रा हैं तो वो यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके अलावा एक और पोर्शन आपको देखने के मिल जाता है, इसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं जो कि आप अपनी मर्जी से जैसा आप चाहो तो वैसा रख सकते हैं। तो टोटली इसमें जो है वो चार बॉक्स एक साइड में और चार बॉक्स दूसरी साइड में जो है दिए गए हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं पूरा एरिया किस तरीके का देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस किचन को हमने जो है डिजाइन किया है। दोस्तों ये किचन आपको दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अब फाइनली हम बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो दोस्तों ये एक फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, सारी कुछ चीजें इसमें मॉड्यूलर जो यूज की गई हैं। और इस तरीके की अगर आप किचन बनवाना चाहते हैं वो आगे जो रेट है जो प्राइस है वो आपके साइज पे डिपेंड करेगा, फिर भी मैं आपको जो इस किचन का प्राइस बता के चल रहा हूँ तो मान के चले आप 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका टोटली खर्च जो है वो इस तरीके की किचन बनवाने में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके किचन का साइज होगा वो साइज आप बताएंगे नीचे कमेंट में लिखेंगे और उसी के हिसाब से आपको प्राइस जो है वो बताए जाएंगे। या अब काम करने के बारे में बताऊं तो दोस्तों आप जो है काम करा सकते हैं वो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, चंडीगढ़, पंजाब में मोहाली में आप वर्क जो है वो करा सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है दे दिया है, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहां से आप कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो में।